नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे से होंगे। मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं मनोहर कुमार स्टडी चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, फेस वीडियो बन रहा है, तो बस आपसे इच्छा हुआ बात करने का, बनाने का फेस वीडियो, तो बना दिए और बस यही है। और अभी हम फिलहाल खेत में आए हुए थे घूमने के लिए, तो सोचे कि दिखा दे आपको जो गाँव का रहन सहन है, गाँव का जीवन है, गाँव में किस तरह का खेती किया जाता है। तो बस इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर देखिए बांस उसका पेड़ है और इधर कुछ खजूर वगैरह का पेड़ है। तो आपको गांव में, खासकर बिहार में, तार खजूर मिल ही जाएगा, बांस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं कि तार खजूर का यूज क्या होता है आगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूंग है और प्लस जनेरा है और यहाँ पर एक आम का पेड़ भी है। तो जनेरा जो है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आपको जनेरा, तो ये जानवरों का खाना होता है और कुछ गाय भैंस है पाले हुए हैं तो उसी के लिए है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप जो मूंग का खेत है, मूंग का दाल खाते हुए का तो पता होगा कि मूंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर यही है, हाँ ये मूंग का दाल कच्चा भी है और यहाँ पर पका हुआ है ये, ठीक है। इसी में से मूंग का दाल हम लोग खाते हैं, ठीक है। एक निकला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही है। और इधर आपको ताड़ का पेड़ मिलेगा, खजूर का पेड़ मिलेगा। तो असल में ताड़ का जो होता है हमारे यहाँ यूज जो होता है अभी, कि खजूर का, कि ताड़ी निकालता है ताड़ से, तो ताड़ी मत पीजिएगा, हालांकि घाटा भी नहीं करता है, फायदा ही करता है। कुछ सुझाव डॉक्टरों का होता है कि ताड़ी पीने से पेट का समस्या सही रहता है। और यहाँ फिर से एक आम का पेड़ है और फिर से आपको ताड़ खजूर मिल ही जाएगा। और इधर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जंगल है, छोटा सा जंगल, बड़ा नहीं है। और इधर आपको बांस का पेड़ मिल जाएगा। हालांकि अभी जो है पूरा पूरा खेत खाली है, खाली कारण ये है कि जो भी गेहूं का फसल था, मकई का फसल था, वो कट गया हुआ है, तो आपको खाली खाली ही दिखेगा। और जहाँ भी खाली दिखेगा आपको, उसमें अधिकतर जो होता है कि मूँग का खेती किया जाता है अभी हमारे यहाँ जो यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको हम गांव दिखाए तो देखिए यहाँ पर, वहाँ पर देखिए दिख रहा है, वहाँ पर वो मेरा गांव होगा। तो मेरा गांव उधर है और हम गांव से दूर अपने खेतों में घूमने आए हुए हैं। तो यही है, अगली बार वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि बढ़िया से आपको हम दिखाएं। और आपसे कुछ खास विनती है कि विनती ये है कि आप हमारे चैनल को बहुत प्यार दिए, प्यार इतना दिए कि हमारे चैनल को आप मोनेटाइज कर दिए और भगवान की कृपा से कुछ अर्निंग भी हो रहा है इस बेरोजगारी के समय में। तो कुछ दिन पहले तक सही चल रहा था चैनल, लेकिन अभी जो है बहुत व्यू कम आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हम में कमी है। फर्स्ट तो गलतियाँ समझ रहे कि हम लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, और दूसरा गलती पता नहीं है वो आप बताइएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप देखिए, हमारे वीडियो को देखिए और प्यार दीजिए उसको। और कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो आप दिल खोल के कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको चलेगा पता कि हमारे चैनल पर व्यू क्यों नहीं आ रहा है। तो आपका जो समीक्षा है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी खामियाँ हम में हैं वो प्लीज़ बताइए। और हम बहुत दिन सोच रहे हैं कि हम भी संडे को संडे लाइव आएँ और आपसे बात करें, लेकिन कुछ कारण बस हम नहीं कर पाते हैं, ये गलती मेरा है। तो आपसे जुड़े रहना भी हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसीलिए ये फेस वीडियो बना है कि आपको थोड़ा सा फिर से ध्यान दिला दे कि हमारा भी चैनल है, हम भी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और प्लीज़ प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कभी मिलेंगे फेस वीडियो से अगली बार, और रोज़ वीडियो हम अभी डाल रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको, हो सके वो आपके काम का हो। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।